न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। गुजरात में भले ही चुनाव हो चुके हैं लेकिन सियासी दलों के नेताओं की तलखी अब भी बरकरार है। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस को घेरते हुए आरोप लगाया कि महात्मा गांधी, मोरारजी देसाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं के साथ कांग्रेस का व्यवहार किसी से छुपा नहीं है और गुजरात की जनता इस बात को समझने लगी है, लिहाजा गुजरातियों ने कांग्रेस को नकार दिया है। तोमर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पूरे चुनाव प्रचार में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे देश की राजनीतिक साख पर भी आंच आई है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पहले से कह रही थी कि पहले से अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता के आशीर्वाद से मिलेगी। गुजरात में जब मतदान हुआ और मतदान के बाद जब मीडिया ने अपना अपना सर्वे किया उससे भी ये परिलक्षित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा थी वो अपने आप में ठीक थी। 18 का हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जैसा दिखाई दे रहा है उससे अच्छा रिजल्ट। राहुल गांधी को कोई फायदा नहीं मिला, हार्दिक पटेल और जिस तरह से उन लोगों को, युवाओं को जोड़ा था, कुछ लगता है कि उल्टा और नुकसान हुआ? देखिए, दरअसल क्या है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनको अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करने का अधिकार है। हार जीत जनता तय करती है और जनता ने देश भर में कांग्रेस को अप्रासंगिक कर दिया है क्योंकि कांग्रेस के एक लंबे कुशासन को देश ने और जनता ने देखा है। इसलिए जनता अब कांग्रेस से मुक्ति पाना चाहती है और देश को आगे बढ़ाना चाहती है। देश को आगे बढ़ाने के लिए और न्यू इंडिया बनाने के लिए नरेंद्र मोदी का नेतृत्व सक्षम है और लोग उसको ही ताकत देना चाहते हैं। और गुजरातियों के साथ जो गुजरात के आइकॉन थे उनके साथ भी कांग्रेस का व्यवहार अच्छा नहीं रहा। वो गांधी जी का नाम लेकर अपनी राजनीति चलाते हैं। गांधी जी का जो चिंतन था, दृष्टिकोण था ग्रामीण भारत के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, गांधी जी की एक बात उन्होंने नहीं मानी। मोरारजी देसाई के साथ उन्होंने अन्याय किया, सरदार पटेल के साथ उन्होंने अन्याय किया, नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर जैसा कहकर उन्होंने अपमानित करने की कोशिश की और इसलिए कांग्रेस विषयहीनता के दौर से इस चुनाव में गुजर रही थी। और कांग्रेस ने चुनाव को हल्का करने का प्रयास किया, हल्के शब्दों का उपयोग किया। जब उपयोग वो लोग करेंगे तो जवाब देने के लिए हमको बाध्य होना ही पड़े। नहीं, मैं समझता हूँ कि इनको चुनाव के फायदे नुकसान से नहीं जोड़ना चाहिए। बीजेपी का साफ एजेंडा था कि हम विकास के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं और विकास को सामने रखकर गुजरात की जनता ने मतदान किया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज।